गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एचजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एसओ यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाने के बाद कौन से क्वेश्चन सबको किए जाते हैं और उसको जवाब कैसे देना है दोस्तों। तो दोस्तों आप एज ए सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हो, उसके बाद में आपका प्रमोशन हो के आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनते हो, उसके बाद में आप एएसओ बनते हो, उसके बाद में एसओ बनते हो। तो दोस्तों कभी भी आप हाई लेवल इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसको आपको फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन होते सकते हैं और उसके क्या क्या जवाब देने पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आप जब भी इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको आपका कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपको आपका क्या देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है दोस्तों। तो ये सेल्फ इंट्रोडक्शन एक कॉमन क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो आप उसमें आपका नेम जो भी है, क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है और आप अभी किधर कौन से कंपनी में प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे हो, ये सब उसमें बताना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है दोस्तों, वहां से शुरू होता है आपका सच्चा एग्जाम यानी कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वहां से आगे शुरू होते हैं दोस्तों। तो वहां से आगे आपको क्या क्या पूछा जाता है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, आप आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, उसमें भी ये सवाल आप दे सकते हैं क्वेश्चन, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते टाइम भी आप बोलते रहते हैं आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस। तो उसी टाइप का आपको पूछा जाता है सवाल दोस्तों कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आपकी जमे की यानी कि बाजू जो भी है आपके पास ऐसा क्या है जो आपको एज ए लीडर कहलाता है, जो लोगों से अलग है। यानी कि दोस्तों देखो, क्या भी आप इंटरव्यू को जब भी फेस करते हो तो आंसर देते टाइम ऐसा आंसर दीजिए दोस्तों कि जो लोग देते हैं अलग से देते हैं उनसे थोड़ा हटके हो और उसमें कुछ तो स्ट्रेंथ हो, यानी कि आप में जो क्वालिटी बताओगे दोस्तों, आपकी जो क्वालिटी बताओगे, अच्छे गुण बताओगे तो उसमें थोड़ा हटके होने चाहिए और उसके साथ आप वो गुण है तो आप क्या करते हैं ये भी आपको बताना होना चाहिए दोस्तों। यानी कि आप अगर बोलेंगे मैं स्ट्रेंथ है मेरी हार्ड वर्किंग करता हूँ दोस्तों, तो हार्ड वर्किंग करते टाइम आपको ये भी बोल सकते हो दोस्तों कभी ओनली हार्ड वर्किंग बोलने के बाद मैं मेरी प्रीवियस कंपनी में 8 घंटे का जॉब करता हूँ, उसके बाद अगर छुट्टी होती है तो दोस्तों अलग दूसरा कोई जॉब यानी कि बिजनेस करते हो, या तो आपके खेती है तो आप पिताजी को मदद करते हो उसमें हाथ बटाने के लिए जाते हो, यानी कि 8 घंटे के बाद भी आप दूसरा कुछ करते हो, यानी कि आप खुद से क्या बता देते हो इंटरव्यू को कि मैं ये 8 घंटे ड्यूटी करके अभी हार्ड वर्क करता हूँ, यानी कि आप क्या करते हैं हार्ड वर्क करें दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन, अगर आपने बताया कि आप सेल्फ मोटिवेशन है मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हैं, उनमें कुछ कमजोरी है उसको आगे लेके उनको इम्प्रूव करके उनको मोटिवेट करने की क्षमता रखते हो दोस्तों। उसके बाद में डिसिप्लिन है, यानी कि आप खुद डिसिप्लिन है, यानी कि आप एक लीड करने जा रहे हो, अगर आपके आप में डिसिप्लिन है, वक्त पे पाबंद है कि वक्त पे आने का, वक्त पे जाने का, जो भी काम है वक्त पे करने का, जो भी डिसिप्लिन आपके है में है, तो आप में अगर टीम लीड एज अ डिसिप्लिनर है तो दूसरों में भी डिसिप्लिन दे सकते हो, यानी कि कर सकते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो आपकी स्ट्रेंथ अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना चाहिए कि आप हार्ड वर्क करें या तो सेल्फ मोटिवेशन है, डिसिप्लिनर है, तो किस टाइप से आपको उसको एक्सप्लेन करके अलग हटके से बताना है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने दोस्तों, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी कि आपकी एक्सपीरियंस कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है दोस्तों। तो आप अगर 5 साल किया है, 6 साल किया है, 10 साल किया है, वो आपको बताना है कि प्रीवियस कंपनी में कौन से किया है, कौन सी कंपनी में काम करते थे, अगर उनके अलग अलग कंपनी में सेक्टर थे तो उनके भी नाम बताने दोस्तों, क्या क्या किधर किधर क्या ड्यूटी करते थे वो भी आपको बताने दोस्तों। और वो क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर इतने बड़े 10 साल किया है, 6 साल किया है, तो प्रीवियस कंपनी में ऐसा आपने कौन सा इंसिडेंट हैंडल किया है, तो कौन सी घटना है जो आपको अभी भी याद है और उससे आपका आगे प्रमोशन हुआ, या तो कुछ अलग सी घटना ही हैंडल की, तो आपको बताना नहीं चाहिए दोस्तों। उस टाइम ऐसी घटना बोल दीजिए दोस्तों कि आपके लाइफ में घटी हो, उससे आपके कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ हो, यानी कि फायदा हुआ हो, उससे कुछ जो भी आपकी कंपनी का नुकसान हो या तो बच गया हो, या तो उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत हो गई हो, यानी कि जो भी पर्सन थे एम्प्लॉय की जान बचाई हो, ऐसा कुछ तो प्रीवियस इंसिडेंट बोल दीजिए दोस्तों, ताकि उनको
पता चले कि आप कितने काबिलियत है, कैसे हैंडल कर सकते हैं। यानी कि मानो आप बता सकते हैं किसी कंपनी में आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं, उस टाइम कुछ फायर लगाया हो, अगर छोटी फायर है तो आपने किस तरह से फायर पैनल में डिटेक्ट किया हो, उस जगह का लोकेशन चूज करके आप उधर गए हो, अगर छोटी फायर है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से फाइट करके आपने उसको बुझाया हो, अगर किसी भी कंपनी में काम करते हो तो कोई मेडिकल इंसिडेंट हुआ हो, वहां पे इंजर्ड है अगर कुछ है तो उसको आपने फर्स्ट एड दिया हो, अगर मेडिकल इंसिडेंस में मेडिकल इमरजेंसी में हार्ट अटैक आया हो, अगर आप फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कर चुके हो, सीपीआर आपको आता है तो आपने उसको सीपीआर देके हेल्प की हो, ऐसे जो भी इंसिडेंट है यानी कि जो भी मेडिकल हो इंसिडेंट आप कंपनी की हिफाजत करने का हो, सिक्योर करने का हो, ऐसा कौन सा ही प्रीवियस कंपनी से जो भी इंसिडेंट है ऐसा कुछ उनको बताइए कि उससे उनको आप हैंडलिंग करने की क्षमता पे क्या हो पता लगे कि आप कितने हैंडल कर सकते हो और कितना आपने कैसे कैसे हैंडल किया है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिनारो देते हैं दोस्तों, तो ये सिनारो क्या है दोस्तों, ये इस सिनारो बता रहा है दोस्तों कि आप एज ए प्रीवियस कंपनी में एज ए सिक्योरिटी पोस्ट पे है, यानी कि बड़े एसओपी पोस्ट पे है, या तो आप एसओ की पोस्ट में भी लीड करने वाले हो, तो देखो आपके पास बहुत सारे यानी कि एसओ के अंडर बहुत सारी नंबर ऑफ गार्ड और सुपरवाइजर्स रहते हैं, तो उसमें से सिनारो ध्यान में रखिए दोस्तों, आप एज ए एसओ हो, दो सुपरवाइजर है आपके, वो बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहे हो, जैसे कि आपके राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है, दोनों भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों, आपको यानी कि आपके टीम को आगे जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बचा रहे हैं, जैसे कि मानो एक टीम लीड है और उसमें जैसे कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दो सुपरवाइजर आपके हैंडल करें, दोनों भी एंड स्टार्ट करते हैं तो 8-8 घंटे की शिफ्ट में बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा बहुत सारे रन जुटाते हैं दोस्तों, वैसे आपके सुपरवाइजर है तो बहुत सारा अच्छा काम करते थे, लेकिन क्या हुआ अभी बीच ही महीनों में उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और कुछ भी काम नहीं करते, आते हैं 8 घंटे में ड्यूटी करते हैं, डब्बा खाना खाते हैं और निकल जाते हैं दोस्तों, तो उस टाइम आप क्या करोगे दोस्तों, यानी कि एज ए एसओ पोस्ट लीड कर रहे हो तो आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसा आपको क्वेश्चन मार्क किया जाता है, तो दोस्तों इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तो आपको बताना है क्या क्या कर सकते हो दोस्तों, तो पहला है आप इजीली बता सकते हो दोस्तों कि एज ए लीड आप बोल सकते हो दोस्तों कि उनको कि मैं उनको पहले समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि क्यों ऐसा कर रहे हो वो कर रहे, उनको समझाऊंगा कि काम करना ही आपका ड्यूटी है, उसमें इंप्रूवमेंट करो, पहले जैसा काम करो, तो अगर नहीं मानते तो एक दो बार आप क्या करेंगे, उनको दो बार समझेंगे, तीसरी बार आप उनको वार्निंग लेटर देंगे या तो आपके सीनियर से उनको हटाने की कोशिश करोगे, यानी कि कंपनी से निकालने की कोशिश करोगे, ये सिंपल हर एक लोगों का क्या होता है दोस्तों आंसर होता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उससे भी अच्छा आंसर आप दे सकते हो, अगर इंटरव्यू को आपकी काबिलियत है एज ए लीड आप काम कर रहे हैं तो क्या आंसर दे सकते हो दोस्तों आप, और दूसरा आंसर दे सकते हो दोस्तों कि एज ए आपकी जो मैन पावर यानी कि हैंडलिंग करने की क्षमता है उसमें से आप बोल सकते हो दोस्तों कि मैं इन दोनों सुपरवाइजर को अपने नजदीक लूंगा, उससे अच्छी तरह से बातें करूंगा, उनका कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश करूंगा दोस्तों, यानी कि जानने की कोशिश करने के बाद उनसे दो चार बातें करूंगा, उससे उनका प्रॉब्लम जानूंगा, अगर मेरे हिसाब से मैं उसका प्रॉब्लम दूर कर सकता हूं तो उसके लिए हेल्प करूंगा दोस्तों, यानी कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें हेल्प की तो उनसे वो बाहर उभर आ सकते हैं, और पहले जैसा क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं दोस्तों, तो ये आपका एक अच्छा लीड करने का आंसर हुआ दोस्तों, तो ऐसे आप उसको एंसरिंग कर सकते हो दोस्तों, तो उससे आपको क्या सीख मिलती है कि आप उस टीम लीड के हिसाब से टीम को पकड़ के भी चल रहे हो दोस्तों, तो इस तरह के दो टाइप्स के आंसर आप उस सवाल को दे सकते हो दोस्तों। उसके बाद में थर्ड आंसर है दोस्तों, आग बुझाने के तरीके कौन से दोस्तों, तो दोस्तों एज ए लीड आपको पूछा जाता है कि आग बुझाने के तरीके कौन से दोस्तों, तो कोई कोई क्या होता है इमरजेंसी एक्साइट होके बोल देता है था दोस्तों, फायर इंस्टिगेशन है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, फायर ब्रिगेड है, ऐसे कुछ भी बोल देता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आग बुझाने के तरीके कौन से है दोस्तों, तो फर्स्ट है स्टार्वेशन, सेकंड है कूलिंग और थर्ड है स्मॉदरिंग, क्या होता है दोस्तों कूलिंग, स्मॉदरिंग और टार्वेशन, ये आग बुझाने के तीन तरीके हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि
कभी कभी पूछते हैं दोस्तों कि आग बुझाने के डिजिटल यानी सॉरी इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम है उनके से उनमें से दो एग्जांपल दो। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों स्प्रिंकलर है और ये फेरेडन सिस्टम है, जो भी आपको यूज किया जा सकता है उससे आप आग बुझा सकते हो दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी क्या है दोस्तों? तो ये मेडिकल इमरजेंसी क्या है दोस्तों, एक आपातकालीन स्थिति में जो भी व्यक्ति गंभीर रूप से चोट हुआ हो या बीमार हो उसको जो भी दीर्घकाल स्थिति में स्वास्थ्य पे उसके हानि होने वाली हो उसको आप जो फर्स्ट एड देते हैं उसे उसको इमरजेंसी यानी कि जो भी होती है आपातकालीन घटना उससे इंजर्ड होता है तो वही मेडिकल इमरजेंसी है दोस्तों। यानी कि उससे मेडिकल इमरजेंसी होने से उसके दीर्घकाल उसके बीमारी होने से इंजर्ड होने से या तो कुछ होने से उसके शरीर पे इफेक्ट आ सकता है दोस्तों, तो उसको ई मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं दोस्तों। तो ऐसी कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको बताना चाहिए दोस्तों, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, एक्सीडेंट हुआ है, तो इंजर्ड हुआ है, ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। या तो पानी आपकी कंपनी में ऑयल गिरा हो तो उसे स्लिप होके भी हो अपने दिमाग पे गिरा हो या तो फ्रैक्चर हुआ हो, ये सब मेडिकल इमरजेंसी में आता है दोस्तों। उसके बाद में एक सिनारो बताता हूँ दोस्तों, तो इस सिनारो क्या है दोस्तों, कभी भी आप एज ए लीड कर रहे हो तो सिनारो आपको देते हैं, आप आपकी काबिलियत देखते हैं कि आप किस कैसे दिमाग चलाते हो, क्या डिसीजन लेते हो, एज ए लीड क्या करते हो। तो दोस्तों ये सिनारो क्या है दोस्तों, तो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आप ड्यूटी पे काम कर रहे हो दोस्तों, उसी टाइम आपको एक कॉल आता है दोस्तों और वो सेकंड या थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर से आता है, बोलता है सर यहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी हुई है। तुरंत आप क्या करते हो, आपका रिसीवर नीचे रख रहे हो तभी उसी दौरान आपको दूसरा कॉल रिसीव होता है और वो बोलता है तुरंत कि सर कंपनी में फायर लग गई है यानी कि फायर इमरजेंसी हो गई दोस्तों। उसी टाइम आपका मोबाइल बजता है और मोबाइल से आपको फोन उठाता है और फोन उठा के आप बात करते हैं तो उसी टाइम आपको पता दिया जाता है कि दोस्तों आप एक जिस कंपनी में काम करे उसी नजदीकी 2 किलोमीटर पे ही आपके भाई का ऑक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 इमरजेंसी सबको बताई दी गई है। तो बोलने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इन 3 इमरजेंसी में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आप ड्यूटी कर रहे हो तो कौन सी इमरजेंसी को प्रायोरिटी देंगे और क्यों देंगे दोस्तों? तो दोस्तों आप क्या होता है इमोशनल होके तुरंत बता देते हो दोस्तों कि मैं मेरे भाई जो 2 किलोमीटर पे नजदीक पे है उसे बचा नहीं जाऊंगा, तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा सवाल का जवाब नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों आपको पहले आपको ये बताना है कि एज ए एसओ लीड आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ये कंपनी की ड्यूटी कर रहे हो, तो आपका पहला दायित्व तो होता है कि उस कंपनी की और उधर के काम जो भी एम्प्लॉयज है, वेंडर है, विजिटर है, उनकी जान की रक्षा करना दोस्तों, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी। उसी हिसाब से आप उसको पहले जो भी प्रायोरिटी दोगे तो फायर इमरजेंसी को दोगे। तो अगर फायर इमरजेंसी को क्यों देना है दोस्तों, तो उससे हानि ज्यादा होती है दोस्तों, ज्यादा जानी जा सकती है, ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान लॉस हो सकता है, इसलिए आपको पहले फायर इमरजेंसी को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों। उसके बाद में आप मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करोगे, उस जो भी आपके बंदे उनसे जो भी फर्स्ट एड वाला है उससे उनको मेडिकल फर्स्ट एड देंगे, या तो आपके कंपनी में डॉक्टर्स नर्स हो तो उनसे कांटेक्ट करके वो आप वहां पे एम्बुलेंस में लेके उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आप आपके भाई को हेल्प कर सकते हो दोस्तों, या तो आपका कोई दोस्त है उसको कांटेक्ट करके उसको हेल्प करने के लिए बोल सकते हो दोस्तों। तो ये दोस्तों ये सिनारो होते हैं दोस्तों, और इस सिनारो से क्या पता चलता है कि आप के डिसीजन लेने की क्या टेंडेंसी है और कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या किस वक्त कैसे डिसीजन लेते हैं और एज एसओ पोस्ट पे लीड करते टाइम आपका दिमाग कितना चलता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सिनारो है दोस्तों, एक इवेंट प्रोग्राम चल रहा है आपकी कंपनी का, बड़ी कंपनी है आपकी, वहां पे आपकी कंपनी का एनुअल डे हुआ है और वो एनुअल डे का प्रोग्राम चल रहा है, एज एसओ मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं दोस्तों, और उसके आपके साथ गार्ड भी है दोस्तों। तो आपके कंपनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको इनवाइट किया है दोस्तों प्रोग्राम के लिए कि ताकि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह दो गाने सुने, डांस करें उनके साथ और कुछ एंजॉय हो, इसलिए आपकी कंपनी में सेलिब्रिटी को यानी कि इनवाइट किया है दोस्तों। वो सेलिब्रिटी आता है उसके साथ में उसके जो भी बॉडीगार्ड होता है वो होता है, लेकिन आपके जो आप सामने ही खड़े हो रहे मेन गेट के और आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको
सेलिब्रिटी तो अंदर आया लेकिन उसके बॉडीगार्ड को अंदर नहीं आने देते, उनको अलाउड नहीं कर रहे दोस्तों। तो उस टाइम आप क्या करोगे दोस्तों? तो दोस्तों देखो ये ऐसा सीनारो है, तो देखो दोस्तों आपकी कंपनी में जो भी आप काम कर रहे हैं तो कंपनी के जो भी क्लाइंट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको भी हैंडल करना आपका काम होता है। जब भी आपके कंपनी का इवेंट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, तो उसी टाइम आप कंपनी ने इनवाइट किया एक सेलिब्रिटी को। मानो दोस्तों सेलिब्रिटी बड़ा है तो उसकी निजी सुरक्षा के लिए उसका बॉडीगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपकी कंपनी की सुरक्षा के लिए आप एक तैनात है, आप नहीं तो कंपनी असुरक्षित है, कंपनी के एम्प्लॉयज किधर भी जा नहीं सकते, आप उधर है ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए तो ये सब इवेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरह से वो सेलिब्रिटी है तो उसके बॉडीगार्ड को आप मना नहीं कर सकते। अगर वो मना कर दिया और वो बॉडीगार्ड बाहर निकल गया तो सेलिब्रिटी भी उसके साथ बाहर निकल जा सकता है। यानी कि क्या हो सकता है दोस्तों, रूट के वो बॉडीगार्ड अगर वापिस चला गया तो आपका जो क्लाइंट है यानी कि जो कंपनी का मैनेजर है वो आपके ऊपर गुस्सा हो सकता है दोस्तों, आपका जॉब भी चला जा सकता है। तो दोस्तों क्या करना है उस टाइम आपको, एज ए लीड जो भी सेलिब्रिटी है उसके साथ उसको जो बॉडीगार्ड है उसको आने के लिए अलाउ करना है दोस्तों। क्योंकि वो सेलिब्रिटी का क्या होता है दोस्तों, एक बॉडीगार्ड होता है उसकी हिफाजत करता है, यानी कि जितना सेलिब्रिटी के ऊपर आप भरोसा करते हैं उसी की ज्यादा उसके बॉडीगार्ड के ऊपर भरोसा है, इसलिए उसको अलाउ करना है न कि रोकना है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, प्रोटेस्ट होने पर क्या करेंगे दोस्तों? एज ए लीड आपकी कंपनी में प्रोटेस्ट हो गया तो क्या करोगे दोस्तों? यानी कि प्रोटेस्ट यानी कि ये होता है आंदोलन होता है दोस्तों। तो प्रोटेस्ट आपकी कंपनी में कोई भी कस्टमर या अदरवाइज आपके यूनियन कामगार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको इन्फॉर्म होता है तो आपको पहले क्या करना है दोस्तों, आपकी जो डिप्लॉयमेंट है जो भी प्रोटेस्ट आ गए तो तीन कैटेगरी आपको याद रखनी है दोस्तों, कौन सी? डिप्लॉयमेंट, रिस्पॉन्स और कम्युनिकेशन, ये तीन स्ट्रेटेजीज यूज करनी है दोस्तों कौन सी भी इमरजेंसी आ गई तो। तो दोस्तों ये तीन स्ट्रेटेजीज यूज करते टाइम आपको क्या करना है, पहले डिप्लॉयमेंट चेंज करना है दोस्तों। यानी कि आपके कंपनी में अगर डिप्लॉयमेंट है तो मेन गेट और एग्जिट गेट दोनों पे भी ज्यादा से ज्यादा गार्ड आपको डिप्लॉय करना है और गेट को बंद करना है यानी कि रोकना है। जिधर भी आपके ट्रांसपोर्ट की गार्ड हो, अदरवाइज दूसरे पोस्ट की गार्ड हो, उनको भी वहां पे लगा के रोकना है उनको। जो भी विंडोज डोर है उनको क्लोज कर लेना है दोस्तों, तो आने जाने के रास्ते उनको बिल्कुल बंद करना है दोस्तों। आपका जो एक्सेस डोर है वो भी बंद कर लीजिए, उनको आने के लिए रोकना है उनको। और अंदर जो भी आपके एसोसिएट है उनको एक जो भी छिपने की जगह उधर उनको लेके जाना है, और खिड़की विंडो डोर से उनको दूर रखना है दोस्तों। यानी कि ग्लास की विंडोज है तो वहां से, या ग्लास डोर है तो वहां से अगर उन्होंने पत्थर फेंकी तो इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए उससे दूर जाना है, उनके ब्लाइंड्स नीचे करना है कि ताकि आपको प्रोटेस्टर को अंदर क्या चल रहा है दिखाई नहीं दे दोस्तों। तो दोस्तों उसी टाइम क्या करना है दोस्तों, आपको आपकी कॉल ट्री इनिशिएट करनी है, यानी कि रिस्पांस हो गया तो कॉल ट्री इनिशिएट करनी है। जो भी आपके सीनियर हो, एसओ, सीएसएमओ जो भी है उनको कॉल ट्री पे कॉल करना है। लैंडलॉर्ड जो भी सिक्योरिटी है उसकी हेल्प लेनी है। आपकी कंपनी की क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम है तो उनकी आपको हेल्प लेनी है। अगर ज्यादा प्रोटेस्ट गदारोल कर रहे हैं, हाथापाई पे आ गए तो पुलिस को इन्फॉर्म करना है, उनको बुलाना है आपकी हिफाजत के लिए कंपनी के। अगर प्रोटेस्ट फिर भी जो भी एम्बुलेंस बुलानी है, क्योंकि अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर सकते हो, तो ये सब कॉल्ट्री आपको इनिशिएट करनी है दोस्तों। उसके बाद में जब भी वो प्रोटेस्टर अंदर आ सकते हैं तो दोस्तों जो भी रूट है आने जाने के उधर बड़े बड़े कबर्ड्स टेबल्स लगा के वो रूट कैच करने, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक आपको उनको अटकाव करना है, अंदर आने से रोकना है दोस्तों। उसके बाद भी अगर प्रोटेस्ट अंदर आ गए तो दोस्तों जो भी आपके एम्प्लॉयज है, विजिटर है, वेंडर है, उनको ऐसी जगह पे स्टॉप करना है, उनको छुपा के रखना है कि ताकि वहां तक वो प्रोटेस्टर नहीं आ सके। अगर फिर भी वो आ गए अंदर तो आपको कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, जहाँ की अगर कंपनी में आने जाने के आपके पांच रास्ते है, रूट्स है, तो अगर दो रास्तों से प्रोटेस्ट आ रहे हैं तो दूसरे दो रास्तों से आप वो एम्प्लॉय को इवैक्यूएट कर सकते हो दोस्तों, यानी कि सेफ जगह पे ले जा सकते हो दोस्तों। तो प्रोटेस्ट आने पे ये सब तीनों स्ट्रेटेजी यूज करना है और उससे उनको बचाना है और कंपनी की सुरक्षा करनी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉनरेड क्या होते हैं? यानी कि डॉनरेड यानी कि अनवांटेड गवर्नमेंट विजिट, यानी कि अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट विजिट, यानी कि आपको
एक्सेप्ट नहीं होता कि कभी भी गवर्नमेंट वाले आ सकते हैं। अगर डाउनग्रेड हो गई तो आपको क्या करना है दोस्तों? दोस्तों डाउनग्रेड यानी कि अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट जो भी होते हैं, पुलिस होते हैं, टैक्स वाले होते हैं, लेबर इंस्पेक्टर होता है, फूड इंस्पेक्टर होता है, सीजेड गेट के ऑफिसर होते हैं, अगर वो आ गए तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले उनको ग्रेटिंग करना है, उनसे अच्छी तरह से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है वो कहना है उनके, उसको पहले रीजन पूछना है कि क्यों आए है। उनके बाद में उनसे पोलाइटली बात करके विजिटर रजिस्टर में उनका एंट्री बनाना है दोस्तों। उनका नाम, डिजिग्नेशन, जो भी कहाँ से आए वो सब डिपार्टमेंट लिख के रहना है। उसके बाद में उनको विजिटर पास देके पोलाइटली बात करके रिसेप्शन वाली जो भी निजी आपकी मीटिंग रूम होगी उधर उनको बिठा के रखना है दोस्तों। उसके बाद आपकी जो भी सीनियर है उनको कॉल करते रहना है, जो भी उनके हिसाब से जो भी बताएंगे वो इस तरह से लीगल एडवाइजर हो उनके हिसाब से बात करते रहना है दोस्तों। अगर वो आते हैं लीगल एडवाइजर या तो आपके सीनियर तो उनके साथ वो अंदर जाएंगे, अगर वो आते नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा, अगर वो बोल रहे हैं दोस्तों कि हमें कुछ नहीं ऐसा ऐसा हम वो चेक करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, तो आपके सीनियर से बात करके उनका राय लेके आप क्या कर सकते हो, उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट के पर्सन होते हैं दोस्तों, तो उनको आपको हेल्पफुल रहना है, हेल्प नेचर रखना है और उनको हेल्प करनी पड़ती है, तो आप उनके साथ एस्कॉर्ट भेज के उनको अंदर किधर जाना है तो जाने दीजिए। और उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट लेते हैं उसके प्यार से पोलाइट से बोल के उनकी जेरॉक्स निकाल लीजिए, जो कि आपको इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे दोस्तों, तो उस टाइम आपके काम में आएंगे। जो भी आपके लीगल एडवाइजर उनको देंगे कि ये डॉक्यूमेंट वो लेके गए कुछ, तो ऐसा आपको सीनियर को बताने के लिए एज ए प्रूफ रह जाएगा दोस्तों। तो डाउनग्रेड होने पर आपको ये सब करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, लास्ट एक क्वेश्चन है आखिरी, एक फायर होने पर क्या करोगे दोस्तों, यानी कि फायर इमरजेंसी आने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों? तो उसी तरह आपके डिप्लॉयमेंट है, रिस्पांस है और कम्युनिकेशन, ये तीनों स्ट्रेटेजी का यूज उसी में भी करना है दोस्तों। डिप्लॉयमेंट आपकी जो भी है, अगर छोटी फायर है तो आप फायर फाइटिंग कर सकते हो, लेकिन बड़ी फायर है अगर फायर इन्वेस्टिगेशन से बुझा नहीं सकते दोस्तों, तो आपको डिप्लॉयमेंट का चेंजेस करना है। कुछ आपकी सर्च टीम होगी, उसको पूरे कंपनी को इवैक्यूएट करने का आपको है, तो आपके सीनियर को कॉल ट्री लगा के फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो, पुलिस को, एम्बुलेंस को बुला सकते हो, जो भी आपका लैंडलॉर्ड है उस सिक्योरिटी की हेल्प ले सकते हो, जो भी आपकी क्यूआरटी टीम है उसकी भी हेल्प ले सकते हो, जो भी आपके सीनियर है उनको कॉल कॉन्टेक्ट करके अगर वो बोल देते हैं कि वैकेट करना है कंपनी को तो ये वैकेशन कर सकते हो दोस्तों, तुरंत दोस्तों IMCP पुल डाउन करके या तो अनाउंसमेंट करके स्टेयरकेस से इससे पैसा लंबल एरिया में ले जा सकते हो। उसी दौरान आपको क्या क्या लेना है, स्टेयरकेस से ही लिफ्ट का यूज नहीं करना है, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर लॉक कर देनी चाहिए, मेन जो इलेक्ट्रिकल स्विच है ऑफ कर देना चाहिए, और उनको स्टेयरकेस से सिर्फ असेंबल एरिया में लेके उधर हेड काउंट उनका लेना है, यानी कि कितने एम्प्लॉयज होते हैं, विजिटर थे, वही ब्रेक काउंट होगा कि नहीं, अगर कम ज्यादा गिरते हैं तो उनका सर्च करना है, और टैग आप सर्च करते टाइम आपको टैग लेके जो भी रूम आपने चेक किया उसके ऊपर टैगिंग करना है, करने के लिए अपना वक्त न जाया करे, ये सब आप कर सकते हो दोस्तों, यानी कि फायर इंसिडेंट हुआ तो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, हाउ डू यू वांट दिस रोल, यानी कि आप उस रोल को, यानी कि SO की पोस्ट को क्यों चाहते हो? तो दोस्तों आपको बताना है, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी इज रियली एक्साइटिंग फॉर मी एज आई विल एबल टू डेवलपमेंट टू माय कैरियर, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को एक्साइटिंग लगती है, मैं उसके लिए एबल यानी कि उसको संभाल सकता हूँ ठीक तरह से। आप मेरे पास जितना भी एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है बता सकते हैं, 6-7-8-10 ईयर का, तो उसकी मेरे पास एक्सपीरियंस है, उससे मैं अपनी टीम को ये कर सकता हूँ, कंपनी को पूरी हिफाजत कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को आप ये जॉब दे सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपका डेली रूटीन क्या होता है SO, यानी कि डेली रूटीन आप क्या करते हो, अगर प्रीवियस कंपनी में SO रह चुके हो तो आप उसमें डेली रूटीन क्या करोगे, क्या ड्यूटी रहेगी आपकी इस रोल में? तो आपको जो भी रोल करते हो, सुबह जो भी आप टाइम पे आते हो, जो भी मेल चेक करते हो, उसका रिपोर्ट करते हो, जो भी आप पूरे कंपनी में अराउंड लेते हो, ये आपका रूटीन डेली रूटीन रहता है, ये आप बता सकते हो। उससे भी ज्यादा आप ऐसा कुछ बताइए दोस्तों कि वो दूसरों से अलग हटके हो, ज्यादा कुछ अलग दर्शाए आपको, आपकी डेली रूटीन में जो दूसरे कर रहे हैं उससे कुछ अलग दिखाए और अच्छा उनको लगे। तो आपकी डेली रूटीन में ये ध्यान रखना है कि जो भी बता रहे हैं उससे कुछ हटके बताए, दूसरों से कुछ हटके बताए दोस्तों।
तो दोस्तों एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो इतने सारे सीनारी जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों ये आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे उसको आपको हैंडल करना है, कैसे कैसे उसको एंसरिंग करना है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।